बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के अंतर्गत परेहाडीही से वन विभाग की टीम ने लाखों की इमारती लकड़ी के साथ वाहन को जब्त किया। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि परेहाडीही जंगल में वाहन से इमारती लकड़ी साल की चुरान की तस्करी की जा रही है। सूचना पाते ही टीम मौके के लिए रवाना हुई और घेराबंदी कर लकड़ी से भरे वाहन को जब्त कर लिया। वन विभाग की टीम को मौके से 26 नग साल चुरान मिले हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। हालांकि वन विभाग को देख आरोपी मौके से फरार हो गए, पुलिस जिनकी तलाश कर रही है। जो है मुखबिर से 5:30 बजे सूचना मिली कि परेहाडीही के जंगल में वाहन द्वारा अवैध रूप से वनोपज लाया जा रहा है, जिसके सूचना मिलने के तुरंत बाद हमारे विजयनगर की टीम और चंदन नगर की टीम दोनों जो है मौके पर जाकर वाहन एवं मौके पर 26 नग इमारती लकड़ी को जब्त किया। इमारती लकड़ी की कीमत लगभग 1 लाख रुपये और वाहन जो मौके पर मिली है वो 2.5 से 3 लाख रुपये कीमत की है। दोनों वाहन की कीमत और लकड़ी दोनों मिलाने पर 4 लाख रुपए के लगभग। इसमें भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1) और धारा 52 और छत्तीसगढ़ वन उपज एवं व्यापार अधिनियम के तहत 2001 की धारा 41 नियम 3 के तहत कार्रवाई की जा रही है।